देव दीपावली का दिन हो, सात पुष्प, कितने फूल, सात पुष्प देव दीपावली के दिन, कोई भी सात पुष्प, कोई भी जो तुमको मिल जाए, सात पुष्प अपने घर के पास में, घर के अंदर जो मटका होता है, हंडा होता है, पानी का बर्तन होता है, रसोई घर में जहाँ तुम पानी भर कर रखते हो, सातों पुष्प को उस स्थान पर रखिए देव दीपावली के दिन। और देव दीपावली के दिन सुबह के समय पर अपने उस परिंडे की जगह पर, मटके वाली जगह पर, हंडे वाली जगह पर रखकर सात घी के दीप रसोई घर के अंदर प्रज्वलित करिए, सातों दीप की पूजन करिए, और पूजन कर कर वो सात पुष्प जब दीप ठंडे हो जाएं, पूर्ण तरह से आनंद के साथ सुबह के समय जब आप पूजन कर लें, उन सातों पुष्प को दिन भर में से कभी भी देव अधिदेव महादेव के दरवाजे पर, शिव के दरवाजे से मतलब है शंकर के ऊपर, अगर शिव के मंदिर नहीं जा सकते तो बेलपत्री के नीचे, बेलपत्री के नीचे भी नहीं जा सकते तो पवित्र नदी के तट पर, या पीपल के वृक्ष के नीचे, या आंवले के वृक्ष के नीचे वो सातों पुष्प को अपनी कामना कर कर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कुछ देर रख दें। रखने के बाद एक पुष्प उसमें से वापिस बाबा से कुबेर भंडारी का भंडार भरने के लिए लेकर आए, उसको अपने पास में रख कर देखना, अगले साल जब देव दीपावली आएगी तब तुम्हें याद आएगी कि बाबा ने भंडार भरा, खाली नहीं रखा। तो सात पुष्प, सात दीप, सुख देने वाली देव दीपावली का वर्णन कल की